सो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में ऑनलाइन अकाउंट ओपन कैसे करें। जैसा कि दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इंडिया पोस्ट बैंक में अगर आप अकाउंट ओपन करना तो आप किस तरह से करेंगे। अगर दोस्तों, अगर आप ये अकाउंट अगर आप ओपन कीजिएगा तो इसमें यहाँ पर आपको एक फ्री में ATM कार्ड, पासबुक, उसके साथ यहाँ पर आपको एक चेकबुक दिया जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर आप अकाउंट ओपन किस तरह से करेंगे, तो आज के वीडियो में हम आपको इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को करते कहें कि शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसके साथ ही आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन में दोस्तों यहाँ पर आपको प्ले स्टोर एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है। ओपन कीजिएगा तो इसमें आपको सर्च करना है कि IPPB। जैसे आप इसमें IPPB आप इसमें सर्च कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा आपके सामने में IPPB मोबाइल बैंकिंग का इस तरह का एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर देखिएगा तो ये वाला अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा तो इस एप्लीकेशन में यहाँ पर आपको अकाउंट ओपनिंग का आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो इसके लिए यहाँ पर आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पर आपको बैक आना है। बैक आने के बाद इसमें आपको सर्च करना है कि पोस्ट इन्फो। जैसे आप इसमें पोस्ट इन्फो आप इसमें सर्च कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा ऊपर में आपके सामने में पोस्ट इन्फो का इस तरह का एक एप्लीकेशन आएगा। ये एप्लीकेशन को आपको करना क्या है कि आपको इसको डाउनलोड करके आपको ओपन करना है। ओपन कीजिएगा तो ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिएगा आपके सामने में इस तरह का पेज ओपन हो के आएगा। आने के बाद यहाँ पर आपको करना क्या है कि यहाँ पर ऊपर में देखिएगा आपके सामने में सर्विस रिक्वेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो यही वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिएगा आपके सामने में कुछ इस तरह का पेज ओपन हो के आएगा। आने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह से स्क्रॉल डाउन करके आपको यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपसे इसमें आपको कुछ डिटेल इसमें आपसे मांगेगा, तो यहाँ पर आपको ये सब डिटेल आपको इसमें सही सही एंटर करना है। जैसा कि यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको अपना नाम पूछेगा, तो इसमें आपको अपना नाम आपको इसमें एंटर करना है। नाम एंटर कीजिएगा। नाम एंटर करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है तो एड्रेस, तो इसमें आपको करना क्या है कि आपको अपना इसमें आपको एड्रेस आपको इसमें एंटर करना है। एड्रेस आपको इसमें एंटर करने के बाद यहाँ पर देखेगा तो उसी नीचे में यहाँ पर आपसे पूछ रहा है पिन कोड, तो इसमें आपको अपना पिन कोड आपको इसमें एंटर करना है। पिन कोड आप इसमें आपको अपना पिन कोड आपको इसमें एंटर करने के बाद उसी के नीचे में यहाँ पर आपसे पूछ रहा है ई मेल एड्रेस। अगर आपके पास ई मेल आई डी है तो आप इसमें दे सकते, नहीं तो आपको इसको ऐसे ही छोड़ देना है। ई मेल आई डी आपको इसमें देने के बाद यहाँ पर उसी के नीचे में पूछ रहा है कि मोबाइल नंबर, तो इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर आपको इसमें एंटर करना है। मोबाइल नंबर आप इसमें एंटर कीजिएगा तो उसके बाद देखिएगा तो उसी के नीचे में यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि सेलेक्ट सर्विस, तो सिंपली यहाँ पर आपको करना क्या है कि आपको सेलेक्ट सर्विस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने में काफ़ी सारा यहाँ पर आपके सामने में ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आपको इसमें करना क्या है कि आपको IPPB अदर सर्विस वाले ऑप्शन मिलेंगे, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद यहाँ पर देखिएगा फिर से आपके सामने में इस तरह का पेज ओपन हो के आएगा। आने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह से स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद फिर से आपको यहाँ पर सेलेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक कीजिएगा तो अकाउंट ओपनिंग का यहाँ पर आपके सामने में एक ऑप्शन दिया गया है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इसमें करना क्या है कि आपके सामने में नीचे में एक ऑप्शन दिया गया है रिक्वेस्ट OTP का, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, तो OTP को आपको इसमें एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पर देखिएगा तो उसी नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा कि यहाँ पर दोस्तों कंफर्म सर्विस रिक्वेस्ट का, तो इस पर आपको क्लिक करके आपको अपना यहाँ पर सर्विस है वो यहाँ पर आपको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आपका अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा 1-7 दिन के अंदर में।